वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे लाहौर का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हज़ब इख्तलाफ के आज़ादी मार्च से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर के दौरे पर जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे लाहौर के दौरान गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ पीर को एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। इस दौरान वो पंजाब काबीना के अरकान समेत दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास की सदारत करेंगे और हज़ब इख्तलाफ के आज़ादी मार्च के मौका पर सूबाई हुकूमत के इंतजामात का जायजा भी लेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में अहम इजलासों की भी सदारत करेंगे। जबकि सियासी मुबसरीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की अयादत करने का भी मशवरा दिया है। इमरान खान पर नवाज शरीफ की अयादत करने के लिए दो रोज से सहाफियों की तरफ से खासा दबाव डाला जा रहा है। इसी हवाले से सीनियर सहाफी हामिद मीर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि 6 साल पहले जब इमरान खान शदीद जख्मी हुए तो नवाज शरीफ ने अस्पताल जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आज नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, क्या अब इमरान खान को नवाज शरीफ की अयादत नहीं करनी चाहिए? क्या इमरान खान एक टेलीफोन कॉल भी नहीं कर सकते? जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतलक लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करने की हदायत की है। बज़ाहिर लगता है कि नवाज शरीफ की सख्त बीमारी ने इमरान खान और नवाज शरीफ के माबिन तलखियों को कम किया है। आज एक हकूमती वफद भी नवाज शरीफ की अयादत करेगा। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की अयादत करते हैं या नहीं, इस हवाले से ताहल कोई हकूमती बयान सामने नहीं आया।